देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में मिडिल क्लास और मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे पॉपुलर और सस्ती माइक्रो एसयूवी कार YTB से पर्दा उठाने को तैयार भारत में हो चुकी है। बता दें कि मार्केट में YTB की चर्चा आज से नहीं, काफी लंबे समय से हम मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा देखते हुए आ रहे हैं और इस बार फाइनली आखिरकार मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे सस्ती और पहली माइक्रो एसयूवी कार कोडनेम वाली YTB को लॉन्च करने का निर्णय भारतीय बाजार में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मार्केट में आने वाली YTB को भारतीय बाजार की सड़कों पर काफी बार हम टेस्टिंग के दौरान भी देख चुके हैं। वे ऑटो एक्सपो से लेकर ये कई मामलों में भारतीय बाजार में दिखाई दी है और साथ ही साथ ग्राहकों ने इस कार को काफी अपना बनाया है और आने वाले समय में अब YTV की चर्चा और भी ज्यादा मार्केट में बढ़ चुकी है, क्योंकि आखिरकार इस छोटी माइक्रो एसयूवी कार को मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। आज के स्मार्ट जमाने में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कारों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और कई कंपनियों ने अपनी शानदार कारों को लॉन्च करके मार्केट में धमाल ही मचा रखा है और भारत में मारुति सुजुकी देश की सबसे सस्ती कार बेचने वाली कंपनी इस बार अपने ग्राहकों के लिए और मिडिल क्लास मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए अपनी YTV को लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। मार्केट में आने वाली YTV को आप इस वीडियो के अंदर साफ साफ देख पा रहे हैं, जो कि इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे मॉडल से काफी ज्यादा जलते जुलते नजर आती है। YTV के फ्रंट लुक पे गौर किया जाए तो कार को एक स्पोर्टी अंदाज देने के लिए कार का लोअर डिजाइन 4x2 के लुक के साथ नजर आता है। इस कार को छोटी एसयूवी कार भी हम कह सकते हैं। कम बजट में आखिरकार इस कार में मारुति सुजुकी ने अपने प्रोजेक्टेड स्लिक लाइनअप का इस्तेमाल काफी शानदार डिजाइन और डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ इस कार को खूबसूरत बनाने के लिए भारतीय बाजार में किया है, जिससे ये कार काफी खूबसूरत मार्केट में नजर आती है। साथ ही साथ इस बार मारुति सुजुकी ने अपनी YTV को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए न्यू रेटिडाइन अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल बॉडी टू बम्पर डिजाइन के साथ ही किया है, जिसमें सुजुकी का लोगो इस बार इस कार की शान को और भी बढ़ाने वाला है। आने वाली YTV को और भी ज्यादा दमदार लुक देने के लिए इस कार में एक दमदार हैवी बम्पर का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसके चलते कार खूबसूरत तो भारतीय बाजार की सड़कों में लगने ही वाली है और साथ ही साथ इस कार को एक स्पोर्टी हैवी लुक फ्रंट से मिल जाता है। बम्पर पे गौर किया जाए तो फॉग लैम्प की सिल्वर लाइन ऑफ क्रीज ऑप्शन के साथ बम्पर से लेकर कार तक को पूरी तरीके से बॉडी से जोड़ती है, जिसके चलते कार अपने नए डिजाइन और लुक के साथ काफी दमदार भारतीय बाजार में नजर आती है। ओवरऑल फ्रंट लुक से तो YTV ने हर किसी का दिल जीत लिया है। जरा साइड प्रोफाइल पे भी गौर कर लिया जाए तो आने वाली YTV को भारतीय बाजार के तंग रास्ते, उबड़ खाबड़ सड़कों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से भारतीय ग्राहकों के लिए डिजाइन दिया है, जिसके चलते कार में आपको पूरे 18 इंच के बड़े टायर वो भी कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन वेरिएंट के साथ इस कार को और भी ज्यादा खास बना देते हैं। YTV के साइड प्रोफाइल पे और गौर किया जाए तो देख लीजिए आगे कार ग्राउंड क्लीयरेंस को काफी अच्छा खासा ऊंचा रखा गया है, जिसके चलते ऑफ रोडिंग का मजा तो ऑफ रोडिंग के दीवानों के लिए काफी कम दामों में ही पूरा होने वाला है। अब हर किसी का ऑफ रोडिंग कार लेने का सपना और एक ऐसे भी अंदाज में YTV जैसी कार कुछ ही दिनों में भारतीय सड़कों पर पूरा करने आ रही है। साथ ही साथ इन सभी के साथ आपको एक नया इंजन भी YTV जैसी कार में मिल जाता है, जिसके चलते पेट्रोल के दाम तो आसमान से नीचे अब इस बार YTV जैसी कार के साथ जो आने वाले हैं। आज के महंगाई के दौर में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और इन्हीं पेट्रोल के दामों को जमीन पे लाने के लिए आखिरकार माइलेज देने वाली कंपनी अपनी नई YTV जैसी कार को मार्केट के लिए बना चुकी है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आने वाली YTV के इंजन पे भी गौर कर लिया जाए तो आने वाली YTV इस बार भारतीय बाजार में 2.5 लीटर के 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ नजर आने वाली है, जिसके चलते इस कार का आउटपुट भारतीय बाजार की सड़कों पर 270 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 340 तक का ट्रैक्शन रेट कर पाने में क्षमता रखेगा। आने वाली YTV में आपको 5 स्पीड EMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। माइलेज की बात करें जाए तो भाई मार्केट में आने वाली YTV का माइलेज 30 से लेकर 32 के आसपास वो भी प्रति लीटर में बताया जा रहा है ना कमाल की बात। और इस बार ये कार अपने नए इंटीरियर और फीचर्स के
साथ ही कम बजट में हर किसी की कार लेने का सपना पूरा करने वाली है, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में ग्राहक अपने कार में शानदार फीचर्स को भी कम दामों में छोटी एसयूवी कार में तलाशता है। तो लीजिए मार्केट में वाईटी भी उन सभी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए अपने शानदार लुक और दमदार इंटीरियर और प्रीमियम अंदाज वाले फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में दस्तक जम देने वाली है। आइए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हुए वाईटी की अब जरा इंटीरियर और फीचर्स से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आप अपने आने वाली वाईटी के इंटीरियर में गौर कर लीजिए। कार का इंटीरियर तो पूरी तरीके से एक फुल साइज एसयूवी महंगी कार जैसा डिजाइन किया गया है। बैठने के बाद तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मार्केट में 5 लाख रुपए से कम के बजट में ऐसे फर्स्ट क्लास इंटीरियर और दमदार फीचर्स के साथ नजर आती है। कार के डैशबोर्ड पे नजर डाले तो ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल काफी खूबसूरती के साथ वाईटी के अंदर मारुति सुजुकी ने कर डाला है, जिसके चलते दोनों साइड ऑटोमेटिक एसी वेंट्स भी बिल्कुल नए अंदाज और नए डिजाइन के साथ इस कार में नजर आती है। आने वाली वाईटी में आपको इतना ही नहीं, कार में आपको 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे कई हद तक जानकारियों को साझा आसानी से किया जा सकता है। आने वाली वाईटी की शान को और भी बरकरार रखने के लिए आखिरकार इस कार में छोटे नहीं बल्कि फुल साइज 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कंपनी ने कर डाला है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे शानदार फीचर्स इस कम दामों वाली कार में ही आपको अपना दीवाना बनाने वाले हैं। वाईटी में इतना ही धमाल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग से लेकर स्मार्ट चार्जिंग, डीप प्लगिंग ऑप्शन, हारमोन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन तक देखने को मिलने वाले हैं, जो कि कार को काफी स्मार्ट बना देती है। ये तो हो गई कार के फीचर्स की बात। कंफर्ट की अगर बात आती है तो ऑफ रोडिंग का सपना तो हर कोई अपनी कंफर्ट भरी कार के साथ पूरा करना चाहता है, और आने वाली वाईटी में इस बार आपको शानदार सीटिंग ऑप्शन वो भी कम दामों के अंदर इस एसयूवी कार को मार्केट में काफी खास और काफी ज्यादा आरामदायक बनाने वाला है, क्योंकि मार्केट में आने वाली ये वाईटी जैसी कार में आपको अपोल सीट्स का सेक्शन मिल जाता है, जिसके चलते आप बैठे बिठाए अपनी 14 तरीके से कार की सीटों को ऑपरेट एक ही बटन द्वारा कर सकते हैं, 360 एंगल तक मोड़ सकते हैं। पीछे लेग रूम पे नजर डालिए, 4x2 के डिजाइन के साथ ये आने वाली छोटी कार पैकेज में अपने बड़े धमाकेदार स्पेस के साथ नजर आती है। अगर आज के स्मार्ट जमाने में मारुति सुजुकी जैसी कंपनी ने शानदार बिल्ड क्वालिटी में भी अपनी कारों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है, यानी सेकेंड जनरेशन लाइनअप का इस्तेमाल इन्हीं नई जनरेशन वाली कारों के लिए मार्केट में आपको सुरक्षित रखने के लिए किया है, क्योंकि स्मार्ट जमाने में हर कोई ग्राहक अपनी कार में सुरक्षित भी रहना चाहते हैं। तो आने वाली वाईटी को अब 3 का डब्बा नहीं बल्कि बिल्ड क्वालिटी के साथ 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जिसके चलते पूरे 5 की रेटिंग तो यही कार अकेले मार्केट में लेके जा चुकी है। और सेफ्टी फीचर्स पे जरा गौर कर लिया जाए तो आखिरकार ये कार शानदार 2 एयरबैग्स के साथ मार्केट में नजर आएगी। भारत में आने वाली मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखती हुई वाईटी के स्टार्टिंग बेस वेरिएंट की कीमत 3.50 लाख रुपए सेक्शन प्राइस जो होने वाली है, तो देरी किस बात की, करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।